लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जनता दल यूनाइटेड द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत रविवार को प्रदेश महासचिव प्रभारी अवलेश सिंह ने रसड़ा कार्यालय पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जदयू की नीतियों और उसके कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि प्रभावित होकर लोग जदयू की प्रारंभिक सदस्यता को ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड की बिहार में सरकार में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों का सिर्फ उन कार्यों में केवल और केवल योगदान नीतीश जी का है। भाजपा के पास अब तक कुछ नहीं बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है कि वे फीते काट सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भारत भूषण सिंह, जिला महासचिव पंकज सिंह, कोषाध्यक्ष सोनू सिंह, युवा नेता आयुष सोनी समेत कई लोग मौजूद थे। आयुष राज सिंह जी एवं हमारे नौजवान भाई बंधु जो भी यहां पे आए हुए, मोबाइल नंबर बोल दे, समर्थन सदस्यता अभियान में उपस्थित हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है। आज उनका ढेर भरा रसड़ा जैसे जगह में उम्र कितना भरा हुआ। मेरे पंकज सिंह ने आज कार्यक्रम रखा और मैंने कहा कि नहीं, मैं निश्चित ही आऊँगा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करूँगा। तो हमारे काफ़ी भाई बंधु जो सदस्य बने हैं हमारी पार्टी के, उनको सबको मैं अपने तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एक जनक बतला और हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता है। इतने नौजवान भाई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जनपद में आज प्रदेश में एक बहुत अच्छी टीम लेकर के हम लोग काम करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में देश में परिवर्तन होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको दोबारा धन्यवाद। आज सदस्यता अभियान का विधानसभा में क्षेत्र में शुभारंभ जो हुआ है, बहुत ही हर्ष का विषय है। जो भाई बंधु सदस्य बने हैं उनकी मैं उम्मीद करता हूं, उनके भविष्य की कामना भी करता हूं। जो भाई बंधु सभासद का चुनाव लड़ना चाहेंगे, टाउन एरिया के चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहेंगे, चाहे जो भी पद चाहेंगे, उनको तहे दिल से पार्टी उनका स्वागत करती है और उनको घोषणा भी हम करने का पूरी प्रयास करेंगे। हमारे पंकज भाई कई नौजवान भाई बंधु को जो जिस लायक है सभी को जिम्मेदारी देंगे और जिम्मेदारी के साथ साथ उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। आप लोगों से मैं बोलूँगा, आप लोग जोर से एक बार बोलें, नाथ बाबा की जय, बाबा की जय, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आप नौजवान भाइयों का जोश और उत्साह देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की पार्टी इस पूरे प्रदेश में बलिया जनपद में कल बहुत ही अच्छा रास्ते पे चल रही है। और मैं आज ही भाई रसड़ा क्षेत्र के विधानसभा का युवा मोर्चा का प्रभारी भाई देश राशि को घोषणा करता हूँ, जिसमें खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।